जी बेटा पिछली वीडियो से कंटिन्यू करते हैं बैंक रिकाउंसिलेशिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर सेवनटीन करते हैं सेवनटीन क्वेश्चन देखिए एन का प्रिपेयर अ बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एंड शो द बैलेंस एज पर कैश बुक फर्स्ट पॉइंट दे रखा है बैलेंस एज पर पासबुक ओवर ड्रॉन ओवर ड्रॉन तो क्या दे रखा है ये हमें ओवर ड्राफ्ट एज पर पासबुक कहाँ आता है हमारा ओवर ड्राफ्ट एज पर पासबुक हमेशा माइनस में लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके पॉइंट नंबर टू इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवर ड्राफ्ट एंटर्ड नॉट एंटर्ड इन दी कैश बुक बैंक ओवर ड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट बताइए बैंक ओवर ड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट अगर बैंक ने हमें उधार दे रखा है तो उस पर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा हमें देगा इंटरेस्ट या हमसे लेगा जब बैंक हमें इंटरेस्ट देता है तो क्रेडिट होता है जब बैंक इंटरेस्ट हमसे चार्ज करता है तो डेबिट होता है तो दिस इज़ इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक बैंक में तो हमने इंटरेस्ट को घटा लिया लेकिन कैशबुक में अभी तक नहीं घटाया इंटरेस्ट डेबिटेड ऑन ओवरड्राफ्ट ड्राफ्ट यदि कैशबुक का सवाल होता तो इंटरेस्ट डेबिटेड हमेशा माइनस क्योंकि ये पासबुक का सवाल है इसलिए इंटरेस्ट डेबिटेड को क्या करोगे प्लस नोट कर लीजिए थर्ड पॉइंट रुपीज टू हंड्रेड इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन दी कैश बुक कौन सा वाला पॉइंट लग रहा है ये बैंक ने हमारे बदले में इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है डायरेक्ट पेमेंट बाई बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर बैंक ने हमारे बदले में पेमेंट कर दी है कैशबुक का सवाल होता था तो माइनस पर पासबुक का सवाल है तो क्या करेंगे इसको वेरी गुड प्लस फोर्थ पॉइंट चेक ड्रॉन इन दास्ट वीक ऑफ मार्च टू थाउजेंड सेवेंटीन बट नॉट क्लियर टल डेट फॉर रुपीज थ्री थाउजेंड कौन सी स्टेटमेंट लग रही है ये देखने में चेक इ शूट बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट कैशबुक का सवाल होता था तो इशूड हमेशा प्लस डिपॉजिटेड हमेशा माइनस पासबुक का सवाल है इशूड है क्या करोगे इसको माइनस तो so, लगा दो माइनस का साइन और माइनस वाले कॉलम में अमाउंट को शो कर दो पांचवा पॉइंट दो चेक्स हैं यहाँ पर तीन हजार और तीन हजार पाँच सौ के तो टोटल तो अमाउंट आ जाएगा हमारा छः हज़ार पाँच सौ का माइनस वाले कॉलम में ओके नेक्स्ट पॉइंट चेक डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन फेब्ररी बट येट टू बी क्रेडिटेड ऑन इकतीस मार्च 2017 हजार सत्रह हजार रुपए चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड वीडियो को पॉज करके नोट कर, कर लीजिए इशूड हमेशा प्लस डिपॉजिटेड हमेशा माइनस कैशबुक का सवाल होता था तो डिपॉजिटेड माइनस होता था पासबुक का सवाल है डिपॉजिटेड को क्या करोगे फैंटास्टिक प्लस करेंगे तो प्लस में हमारा सिक्स थाउजेंड आ जाएगा नेक्स्ट पॉइंट रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक बैंक ने गलती से डेबिट कर दिया गलती से डेबिट करने का मतलब क्या है ये हमारी कैश बुक है ये हमारी पासबुक है पासबुक ने गलती से डेबिट कर दिया इसका मतलब है पासबुक ने गलती से पाँच सौ रुपये माइनस कर दिए हैं सवाल पासबुक से शुरू हो रहा है इसलिए कैश बुक जैसा करेगा हमें वैसा ही करना है पासबुक ने माइनस किया है लेकिन कैश बुक ने माइनस नहीं किया है इसलिए हमें भी माइनस नहीं करना चाहिए तो हमें क्या कर देना चाहिए इसको वापस से एड बैक कर देना चाहिए ताकि इसका प्रभाव समाप्त हो सके तो क्या करेंगे हम रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक फाइव हंड्रेड रुपीज और हम इसको वापस से एड बैक कर लेंगे और लास्ट में सारा अमाउंट लिख के यहाँ पर फाइनल आंसर निकाल के मुझे आंसर बताना आपका कितना आ रहा है वीडियो को पॉज करो फटाफट आंसर निकालो ऑल राइट नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर एटीन जल्दी से पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर एटीन का फॉर्मेट बना लो बैंक रिकाउंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर रणधीर एज ऑन इकतीस मार्च 2017 का कब बनाना है इकतीस मार्च 2017 क्वेश्चन क्या है द पासबुक ऑफ मिस्टर रणधीर शोड एन ओवर ड्राफ्ट ऑफ फोर जीरो नाइन फाइव जीरो एज पर द पासबुक सो वॉट इज दिस दिस इज ओवर एज पर पासबुक क्या करना चाहिए ओवर को हमेशा माइनस में शो करना चाहिए तो माइनस में इस अमाउंट को शो कर दो जल्दी से फोर जीरो नाइन फाइव जीरो को नाउ फर्स्ट पॉइंट आउट ऑफ दैक्स चेक्स अमाउंटिंग टू रुपीज एट थाउजेंड आठ हजार रुपए के चेक्स में से ड्रॉन बाय मिस्टर रणधीर ऑन सताईस मार्च कुछ चेक्स थे जो मिस्टर रणधीर ने सत्ताईस मार्च को इशू किए थे आठ के चेक्स फॉर रुपीज थ्री थाउजेंड अप्रैल यानी कि आठ हजार में से तीन हजार के चेक्स ऐसे हैं जो कि तीन अप्रैल को एनकैश किए गए इसका मतलब क्या है कि बाकी के जो पांच हजार थे वो तो इकतीस मार्च तक क्लियर हो गए लेकिन तीन हजार वाले इकतीस मार्च तक क्लियर नहीं हुए हैं तो ड्रॉन मतलब इशूड वाली स्टेटमेंट है ये चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट आठ हजार में से कितने चेक हैं जो कि इकतीस मार्च तक प्रेजेंट नहीं किए गए हैं तीन हजार के कैसे पता चला क्योंकि आठ हजार में से तीन हजार के अप्रैल में प्रेजेंट किए गए तीन हजार के अप्रैल में प्रेजेंट किए गए हैं इसका मतलब कि वो इकतीस मार्च तक प्रेजेंट नहीं किए गए कैश बुक का सवाल होता तो इशूड हमेशा प्लस लेकिन क्योंकि ये पासबुक का सवाल है तो इशूड यहाँ पर माइनस तो माइनस का साइन लगाओ अब बारी आती है अमाउंट की कितने चेक हैं जो इशू किए लेकिन इकतीस मार्च तक प्रेजेंट नहीं हुए हैं थ्री थाउजेंड रुपीज के तीन हजार रुपए के चेक ओके नेक्स्ट पॉइंट क्रेडिटेड बाई द बैंक विद इंटरेस्ट थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड बट अमाउंट इज नॉट एंटेड इंटरेस्ट क्रेडिटेड इंटरेस्ट क्रेडिटेड क्या स्टेटमेंट बन गई हमारी इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बुक का सवाल होता था तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड प्लस होता था पासबुक का सवाल है क्या करूं इंटरेस्ट क्रेडिटेड को माइनस कितना अमाउंट है तीन हजार आठ सौ थर्ड पॉइंट रुपीज टेन थाउजेंड नाइन हंड्रेड पेड इन बाय मिस्टर रणधीर इन कैश एंड बाय चेक ऑन इकतीस मार्च लेकिन चेक अमाउंटिंग टू रुपीस थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड वर्क कलेक्टेड इन अप्रैल जो अप्रैल में कलेक्ट हो रहे हैं इसका मतलब वो मार्च में कलेक्ट नहीं हुए हैं तो क्या स्टेटमेंट हो गई चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड नॉट पे फोकस करो कोई चीज ये वाली डेट हमेशा हमारे दिमाग में रहनी चाहिए अगर वो कह रहा है कि अप्रैल में कलेक्ट हुआ है इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो इकतीस मार्च तक कलेक्ट नहीं हुआ है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड कितना है तीन हजार आठ सौ अब इसमें से क्या करेंगे हम इसको इशूड हमेशा प्लस, हमेशा प्लस डिपॉजिटेड माइनस अगर कैश बुक का सवाल होता था लेकिन पासबुक का सवाल है इसलिए यहां पर डिपॉजिटेड को क्या करोगे प्लस करेंगे और कितना अमाउंट प्लस करेंगे तीन हजार आठ सौ फोर्थ पॉइंट अ चेक ऑफ रुपीज सात सौ अस्सी क्रेडिटेड इन दी पासबुक being डिसऑनर्ड डिसऑनर्ड बस सिंपल सी बात है अपने दिमाग में लाओ कैश बुक का सवाल होता था तो डिसनर को माइनस करते थे पासबुक का सवाल है तो डिसऑनर को क्या करोगे प्लस करेंगे और अमाउंट कितना आएगा 780. अब इधर का टोटल करो सारा जल्दी से टोटल करो इधर का टोटल किया ये गलती से 40950 हमने यहाँ प्लस में लिख दिया था ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है माइनस में लिखा जाता है इसको प्लस किया 47,750 आया इस 47,750 को लिखा यहाँ पर इसमें से माइनस करा हमारा ओल्ड ड्राफ्ट पर कैश बुक कितना आ गया 43,170 तो ये हमारा बैंक रिकाउंसिलियशन स्टेटमेंट का लास्ट क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया है बेटे ये दोनों क्वेश्चन तक कंप्लीट करके और जो क्वेश्चन मैं आपको सेंड करूँगी अभी उनके सोल्यूशन मुझे सेंड करना नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं थैंक यू गॉड ब्लेस यू